वेलकम बैक। ब्रेक से जो है वो हम अभी अभी वापस आ गए हैं, तो मजीद जो है वो और भी लोग उनसे बातें करते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। सामने को वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिदा। शाहिदा क्या करती है? फ्री होती हूँ घर में। घर में कोई काम नहीं करती? नहीं, तो घर कुकिंग वगैरह, घर में बच्चों वगैरह का ख्याल। तो ये काम नहीं होता? काम नहीं है, इससे ज्यादा काम ही है ये। हाँ जी, है ना। मैं बस बच्चों को देख लिया, और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को, वो बाहर होते हैं सऊदीया। जी दें जरूर। आई मिस यू हस्बैंड, बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं आपको। मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, 5-6 साल से वो बाहर हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं। आई लव यू। चले जी, कितना बीच में चक्कर नहीं लगाया उन्होंने? नहीं, तो वो थोड़ी सी ना मुश्किल में है, टेंशन में है वो बाहर। उनके इमरान खान के लिए भी कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ मैं उनको, यही देना चाह रही हूँ, प्लीज़ आपकी बहन की आपके ये रिक्वेस्ट है, तो मेरे हस्बैंड बाहर हैं, प्लीज़ उनके लिए कुछ करें, हम लोग बहुत मुसीबत में है, यही समझ लें, हमारी हेल्प करें, मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करें हमारे लिए। उनका मसला क्या है? उनका मसला वो थोड़े से ना प्रॉब्लम में है, वो बाहर किसी के ना वो केस में अंदर हैं। चले जी, मैं भी कहती हूँ इमरान खान साहब, इनके जो हस्बैंड हैं वो सऊदीया में हैं, और उनका जो मसला है, अगर वो चाहती हैं कि अगर आप ऐसे मसले में उनकी, जाहिर बात आप हेल्प कर सकते हैं, ऐसा तो कोई ग्रे एरिया नहीं कि आप नहीं कर सकते, तो ज़रूर इनकी हेल्प करें, डेफिनेटली वो इनोसेंट ही होंगे। जी जी, उन्होंने जाहिर बात है किसी गलतफहमी में कुछ हुआ। जी जी, हाँ जी, ये बात है। तो फिर आप ज़रूर इस पे स्टेप लें, और वैसे भी सऊदीया में है ना? जी जी, सऊदीया के साथ माशाल्लाह हमारे एक अच्छे रिलेशन है, तो हमें इसमें ज़रूर कुछ करना है भैया इमरान खान से, प्लीज़ उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, हमें बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की ज़रूरत है हमारी, प्लीज़ कीजिए। ज़रूर, ठीक है। चलें, अब मुझे बताएं, आपसे सवाल करते हैं, ठीक है? मुझे बताओ कि इंसान की बॉडी का वो कौन सा पार्ट है, जब वो पैदा होता है तो उसका साइज सेम रहता है मरने तक, कभी बड़ा नहीं होता? आपके हाथ बाजू बड़े हो जाते हैं, सब बड़ा हो जाता है, लेकिन वो हिस्सा नहीं बड़ा होता। इधर ही है वो, चेहरे के ऊपर, चेहरे से शोल्डर तक, बस यहाँ से यहाँ तक, चेहरे तक ही है। आईज? आईज क्या, छोटे बच्चों की जो छोटी सी होती है। चलो क्या सुनाओगे? क्या सुनाऊँ, हस्बैंड के लिए सुनाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड के लिए सॉन्ग है। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। आई मिस यू हस्बैंड। वेलकम लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, और परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, क्या कुछ नहीं कह सकती मैं इस पर, वो काफ़ी हर्ट हैं, जाहिर बात है 5-6 साल हो गए हैं उनके हस्बैंड को एक मुश्किल में, अल्लाह पाक इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मगर जैसे वो सॉन्ग सुना रही थी अच्छी लग रही थी, होपफुली सब सही हो जाए। और उन्होंने जो जवाब दिया आइस, वो इसलिए मैंने कहा गलत क्योंकि आइस तो बड़ी होती हैं, आई बॉल बड़ा, राइट, तो इसलिए मैंने उनको राइट आंसर नहीं कहा। चले अब हम यही सवाल किसी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? मिसेस अजीज। उमाइजा। उमाइजा कौन सी क्लास में? 5। 5 में हो, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। चले जी, मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा चीजें बना के दूसरे मुल्क को भेजता है? चाइना। आर यू श्योर? क्लैपिंग करो अपने लिए। चलिए, बड़ी दगदड़ है आपकी बच्ची, माशाल्लाह। क्या सुनाना है आपने? जिंगल बेल। वाओ, सामने देखो और पूरी सुना दो। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओवर फन यूज्ड टू राइड इन वन इज ओपन से, हे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओवर फन यूज्ड टू राइड इन वन इज ओपन से, हे डैशिंग टू द स्नो इन वन इज ओपन स्ले, और द फेविको laughing all the way, bells and up and ring, making speed of flare, refine is to write a sing, sing song to pray, oh jingle bell, jingle bell, jingle all the way, over fine is to write and wonders up and say. Wow! Very nice. किसने सिखाई? मम्मा ने। अब क्या शेयर करेंगी? मैं एक टिप शेयर करूंगी, वो है कि
آلو کو میش کر لیں کوکونٹ یا بادام کا تیل ڈال کے اس کو آپ چہرے پہ لگائیں تو یہ اس موسم کے لیے ایک تو بہت اچھا ہے اور دوسرا آپ کی ڈیڈ اسکن بھی وہ ریموو کرتا ہے. وہ بہت اچھی ٹپ ہے میں کیونکہ میں خود اپلائی کرتی ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے. میں نے اچھی ہوگی ڈرائی ملک اور آلو ابلا ہوا نہیں ابلا ہوا نہیں ویسے کچا آلو لے کے نا اس کو تھوڑا سا کر لینا کدوکش. اوکے اور تیسرا وہ بادام کا تیل یا کوکونٹ تیل. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میں نے نیٹ سے دیکھا لیکن اس کے علاوہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا اس لیے مجھے اچھا ہے بہت ڈرائنیس نہیں ہوتا. ارے واش نہیں آپ کا شکریہ بڑی اچھی اسکن ہے آپ کی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھینک یو. جی انہوں نے جو ٹپ بتائی ہے وہ کہ آلو کدوکش کریں اور ساتھ آپ ڈرائی ملک ڈالیں اور ساتھ آپ بادام کا تیل بھی یوز کریں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. آئی ایم سرپرائز کیونکہ میں نے تو یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے مگر کیونکہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے خود اپلائی کیا ہے تو یہ اب آپ تک پہنچ چکا ہے. اس کو ضرور ٹرائی کریں اور جب آپ ایسی چیزیں ٹرائی کیا کریں نا تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ بتایا کریں کہ کیسا لگا آپ کو. کوئی اگر آپ کو لگا ہے کسی نے صحیح نہیں شیئر کی تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو بولیں بھائی یہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام شاہد علی. شاہد کیا کرتے ہو؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ میتھس کمیونیکیشن. اوکے سامنے دیکھنا آپ نے. ٹھیک ہے چلو مجھے بتاؤ پاکستان کے اس شہر کا نام بتاؤ جس کو اردو میں لکھیں تو 15 نقطے ڈالنے پڑتے ہیں. 15 نقطے شیخ پورہ میں 15 نقطے نہیں آئے. ایسا کوئی شہر ہے ہی بڑا مشہور ہے. کیا سناؤ گے؟ شنا گانا سناؤں گا شنا لینگویج میں. تھے محبت رے داجی تے گا میں شاملن تو گر تھے ہری تے جو میں ہٹ ویران بلن کوس تو ٹرکو کر شما کوس تو ٹرکو کر شما کوس تو ٹرکو کے کار تھے ہٹ ویران بلن او ہو. مطلب اس کا یہ بیسکلی شاعر نے اپنی معشوق سے کہتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد سارا ایریا بیابان سا فیل ہو رہا ہے, اس کو ویران سا فیل ہو رہا ہے. سچویشن کو بیان کر رہا ہے اس گانے کے اندر. اچھا یہ لوگ لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. ویلکم. جی انہوں نے جو ہے وہ ایک سانگ سنایا تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی جو زندگی کی رونق ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے لائف پارٹنر سے ہی فیل ہوتی ہے. اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے قریب نہیں ہے ارد گرد نہیں ہے ڈیفینیٹلی آپ اس کو مس کرو گے اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ڈاؤن ڈاؤن سی ڈم ڈم سی لگے گی. سو اٹ واز ان شارٹ اٹ واز اے نائس سانگ. السلام علیکم. آپ کا نام؟ صدیقہ. صدیقہ کیا کرتی ہیں آپ؟ اب گھر میں کھانا وغیرہ پکانا سب کچھ. اچھا کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ بس گھر کی جو چیزیں کھانے ہوتے ہیں سبھی بناتی ہیں. اوکے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں. کون کون شادی شدہ؟ میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں. بیٹے؟ بیٹی کے بھی شادی کرنی ہے. چلے جی سوال کریں آپ سے. مجھے بتائیں پاکستان کا نیشنل پھول کون سا ہے؟ بیٹا سارے پھول ہی اچھے ہیں نیشنل. اچھے تو سب ہی ہیں لیکن نیشنل کون سا ہے؟ مجھے نہیں پتا. کوئی بات نہیں کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ریسیپی بتائیں گے؟ ریسیپی بتائیں جتنی میں نے بنانی میں اپنے حساب سے لیتی ہوں مچھلی جیسے 2 کلو 4 کلو ہے پھر اس کو میں نے نا لہسن کا پیسٹ بناتی ہوں سارے مسالے ڈالتے اس میں ادرک نہیں ڈالتی باقی سب مسالے ڈالتی ہوں. اچھا ادرک کیوں نہیں ڈالتی؟ بس مجھے نہیں ادرک نہیں مچھلی میں ڈالتی ہوں اور باقی جیسے لہسن ڈالا سوکھا دھنیا ڈالا اس کا اچھی طرح پیسٹ بنا کے باقی ذاتی تھوڑی سی نمک ڈال دیتی ہوں تو پھر اس کا مسالہ تیار کرتی ہوں مچھلی. اور مچھلی ٹوٹتی تو نہیں ہے؟ میری مچھلی بہت اچھی ہے. کبھی مچھلی جو میں بناتی ہوں نا بہت اچھی کبھی ٹوٹی نہیں میری مچھلی. جیسے پیس ہوتے ہیں نا اس میں نیبو کا رس تھوڑا سا نکال کے ڈال دیتی ہوں اور بہت اچھی میری مچھلی بنتی ہے. جی واہ اسمیل تو نہیں آتی؟
बिल्कुल नहीं आती। जब नींबू का रस थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें ना और थोड़ा सा दही बना दही से धो लें आप तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती। पक्की गल है? बिल्कुल। चलो मुझे कब खिला रही हैं? आप जब आए मेरे पास बता दें। ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए इनाम। शुक्रिया बेटा। यू वेलकम जी। बहुत अच्छी जो है वो इन्होंने रेसिपी बताई और इन्होंने बताया कि जिन लोगों की फिश में स्मेल आ जाती है तो वो उसके अंदर लेमन डालें या वो उसको योगर्ट से वॉश करें। योगर्ट का मतलब ये नहीं है वॉश करने का कि आप योगर्ट को एज अ सोप यूज़ करो, उसको पानी से धो। वॉश का मतलब है योगर्ट लगाओ को उसको ना ऐसे ऐसे मस लें, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना क्योंकि मछली मछली का जो रेशा होता है वो बहुत ही नरम होता है तो वो जल्दी टूट जाती है, तो उसको सॉफ्ट हैंड से आपने रब करना है तो आपकी मछली में जो है वो स्मेल नहीं आएगी। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ द विनेगर, तो विनेगर से भी मछली में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। हम किसी और से बात करते हैं। सामने कौन? नाम? अहमद रज़ा। क्या करते हो? सीए का स्टूडेंट। गुड, ओके। मुझे बताओ कि इंसान के अलावा वो कौन सा जानवर है जो दूसरे की आंखों में अपनी शक्ल देख सकता है, मीन्स कि अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है? इंसान के अलावा सोचो। मंकी। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनने। ओ अज कल दे जवाका विच ओ गल किथे ते कोक दियां बोतलां दे फैन डीजे फलो दी जद वजदी ए बीच चंडीगढ़ दियां गड्डियां च बैन हो कोकला चपाकी वाले यार ने बनाए कद हस गए ते यारो कद रुस गए। अच्छा मुझे बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सेकंड ईयर तक बायो थी, अब सीए भी आ गई हूँ, अब पता नहीं क्या आगे। कितना टाइम हो गया सीए स्टार्ट किए? अभी स्टार्ट ही किया, 3 मंथ हुआ। क्या टारगेट है कब तक? इंशाल्लाह 5 ईयर। फाइव ईयर? ओए होए, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। लाहौर न्यूज़ लाहौरिया दी जाने। वेलकम जी। सीए की यही कहानी है, इसका टारगेट है कि ये 5 साल में कर ले, जबकि लोग जो हैं वो सीए 10 से 12 साल में करते हैं। इसकी ख्वाहिश है कि ये 5 साल में करें मगर मुझे लगता नहीं है क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि ही वॉज नॉट दैट मच सीरियस, शायद हो सकता है मुझे गलत लगा हो। है आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक होना चाहिए। आपको पता है 100 में से 1% से 2% लोग हैं पूरी दुनिया में जो 1 साल या 1.5 साल में सीए करें या सीपीए करें, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड ने जो है 1 साल में किया था एंड ही वॉज अ टॉपर। सो बच्चों को वो भी हमेशा मैं उनसे भी सीख एक बात बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाइक होना चाहिए ताकि आप अपनी पढ़ाई को लेके चल सको। किससे और से बात करो? सामने का। आपका नाम? मोहम्मद अलबाबरी। क्या करते हो? सीए कर रहा हूँ। अच्छा वाओ, कितनी देर में करने का इरादा? इंशाल्लाह 4 to 5 years में। चलो बेस्ट ऑफ लक। सवाल करते हैं, ठीक है? ओके, मुझे बताओ आप कि वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको फेंक देते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उसको उठा कर ले आते हैं? ओके, क्या सुनाएंगे आप? सॉन्ग सुनाएंगे। I'm in love with the shape of you, push and pull like a magnet do, and my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the body. मुझे बताओ कि 5 साल क्यों अपने आप को सोचा कि 5 साल बाद ही करोगे, ये क्यों नहीं सोचते कि जल्दी करो? नहीं, उसका ट्रेनिंग पीरियड 3.5 ईयर्स है। तो आपने कहा ना 5, तो मिनिमम टाइम इतना ही होता है। आपको पता है अगर आप ओवर टाइम उस पे लो तो आप जल्दी भी कर सकते हैं? वो पेपर्स पे डिपेंड करता है ना कि आपने 5-5 करके दे सकते हैं। पहले तो कह वो पहले होता था ना कि आप ज्यादा पेपर्स भी एक साथ दे सकते थे, 5-5 पेपर्स हैं एक साथ। आप स्पेसिफिक कर दिए पाकिस्तान में? जी जी, 5 पेपर्स। अच्छा, बाहर अभी ऐसा नहीं?
बाहर आप देख सकते हो। चलो गुड है, बेस्ट ऑफ लक। ये लो जी लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। अच्छा जी, बच्चे ने मुझे अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है ये बड़ी गलत बात की है कि आपने उनको स्पेसिफिक कर दिया है कि वो 5 पेपर से ज़्यादा कठे नहीं देख सकते, ताकि वो 4 से 5 साल जो है वो इसी चीज़ में फंसे रहें और 5 साल बाद वो निकले। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में जॉब्स नहीं हैं। वो बच्चा पढ़ लेगा तो वो भागेगा नौकरी, नौकरी आप लोगों के पास है नहीं उसको देने के लिए। तो आपने बच्चों का जो है वो पढ़ाई का एरिया वो खींच के 5-5 साल कर दिया है। नहीं, हुकूमत को सब जरा इस पर फोकस करना चाहिए, आप बच्चों को जल्दी फ्री करें ताकि वो पढ़ें और आगे लाइफ में बढ़ सकें, ठीक है? क्योंकि बाहर के मुल्क में तो स्टिल अभी तक आप ऐसे करोगे कि आप इकट्ठे भी अपने 10 पेपर दे सकते हो। सो आई थिंक इधर भी यही कुछ। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।